Out of 24 hours, Tulsi plant releases oxygen for nearly 20 hours. For the remaining 4 hours, Tulsi plant releases O3, that is ozone. And this ozone is being dissociated in the warmer condition into O2 as well as O, that is molecular oxygen and nascent oxygen or free radical, which is highly reactive respectively. तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पेड़ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और अक्सर जो सारे पेड़ हैं वो दिन के टाइम मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। बिकॉज जब हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिन में होती है, फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टू टेक प्लेस सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वॉटर, सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल, दीज आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बात बता दूं आपको कि तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा है जो लगभग 24 घंटे में से 20 घंटे तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, जो कि दूसरे पेड़ों में देखने को नहीं मिलता। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड़, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ लेते हैं, और पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो हमारा तुलसी का पौधा है वो लगभग 20 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करता है, लगभग 20 घंटे तक ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो कि सामान्य पौधों में देखने को कतई ही नहीं मिलता। तो अगर हम बात कर लें बाकी के 4 घंटे की, क्योंकि 24 घंटे में से 20 घंटे तक तुलसी का जो पौधा है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और बाकी के जो 3 घंटे रहते हैं उस 3 घंटे में जो तुलसी का पौधा है वो ओजोन रिलीज करता है, और ओजोन आप सभी को पता है O3 होता है। तो दोस्तों जो ओजोन रहता है ना वो वार्म कंडीशन में क्या होता है, डिसोसिएट होता है, और O3 किस में डिसोसिएट होगा, O2 प्लस O। जो O है उस एक O2 है उसको तो हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, जबकि जो O है यानी नेसेंट ऑक्सीजन या फिर हम फ्री रेडिकल कह दें। तो 20 घंटे तक तो ऑक्सीजन हमको पहले ही मिल रही थी, और जब 4 घंटे में ये O3 डिसोसिएट हो रहा है तो इससे भी हमको बाकी इन 4 घंटे में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलेगी मिलेगी। तो अल्टीमेटली हमको सीधा का सीधा 24 के 24 घंटे तुलसी से ऑक्सीजन मिलती है। अब हम बात कर लें इस फ्री रेडिकल की या फिर नेसेंट ऑक्सीजन की बात कर लें। तो दोस्तों ये जो फ्री रेडिकल है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है, हाईली रिएक्टिव रहता है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट वगैरह हैं उनसे रिएक्शन शो करता है, और ये उनको अल्टीमेटली ऑक्सीडाइज करता है। तो हमारे एनवायरमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह रहते हैं ना उनको ऑक्सीडाइज कर देता है कौन, ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमको पॉल्यूशन से भी मुक्ति दिला रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वहां भी हमको हेल्प कर रहा है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया कि किस तरह से एक तुलसी का पौधा 2400 घंटों हमको ऑक्सीजन देता है। अगर हम तुलसी के बारे में कुछ और बातें करें दोस्तों, कि तुलसी का एक ही जो है वो नुकसान है कि तुलसी को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए, तुलसी के पत्तों को हमेशा निगलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी के अंदर मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी एक एलिमेंट है, तत्व है जो आप सभी जानते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में तुलसी के अंदर मर्क्यूरी पाया जाता है, और जब हम तुलसी के पत्तों को चबाते हैं तो हमारे दांत जो है वो एनिमल हम पढ़ते ना हार्डेस्ट सब्सटेंस जो टीथ जो है दे आर मेड अप ऑफ एनिमियल, तो हमारे जो दांत हैं वो घिसना चालू हो जाते हैं। मींस अल्टीमेटली दिस मर्क्यूरी इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द क्वालिटी ऑफ आवर टीथ। इसलिए कभी भी तुलसी को चबाकर नहीं खाना चाहिए, हमको ऐसे ही निगल लेना चाहिए। तो ये हुआ तुलसी को
चबाकर ना खाने का साइंटिफिक रीजन। तो अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं लोगों की जो मिथ्स हैं तुलसी को लेकर, उनको हम दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं और आप सभी को साइंटिफिक रीजन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तुलसी की बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। आप सभी जानते हो कि तुलसी की हम चाय भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हम कोल्ड, कफ या फिर ब्रोंकाइटिस से इन्फेक्टेड रहते हैं तो हम तुलसी वाली चाय प्रेफर करते हैं। और ब्रोंकाइटिस यानी ब्रोंकस, आइटिस जो है वो इन्फ्लामेशन वर्ड को बता रहा है, तो ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? ब्रोंकाइटिस। तो कफ, कोल्ड और ब्रोंकाइटिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये तुलसी एज अ मेडिसिनल प्लांट, वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये जो तुलसी है ना, ये क्या करता है, हमारे जो माउथ में यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन रहता है तो उसको साफ करने में, उसको दूर करने में, उसको दूर भगाने में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली इट इज क्लियरिंग माउथ इन्फेक्शंस एज वेल एज इट आल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द ओरल अल्सर्स। अल्सर्स किसको कहते हैं? छालों को, जो हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं उन छालों से भी कहीं ना कहीं ये तुलसी जो है हमको मुक्ति दिलाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि रोजाना 1-2-3 लगभग इतने पत्ते तुलसी के रोज हम लोगों को खाने चाहिए यानी निगलने चाहिए। दोस्तों तुलसी के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और विटामिन ए जो है उसका हम साइंटिफिक नाम जानते हैं, नेम जानते हैं, दैट इज रेटिनॉल, है ना, वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, अक्सर खट्टे फलों में पाया जाता है, लेकिन तुलसी के अंदर भी विटामिन सी है। साथ ही साथ तुलसी के अंदर पाया जाता है जिंक। क्या पाया जाता है? जिंक। तो ये सारी चीजें तुलसी जो है दोस्तों वो एंटी फंगल, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर है। अब हम बात कर ले एंटी फंगल। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, फंगल यानी फंगस, तो फंगस के अपोजिट काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शरीर पे कभी कभी दाद हो जाती है तो हम उस दाद के ऊपर तुलसी को, तुलसी का जो पत्ता है, तुलसी के जो पत्ते हैं उनका जो रस है उसको अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो दाद है वो क्या है? वो फंगल डिसीज है एक, तो अल्टीमेटली हमको उससे राहत मिलती है। मीन्स इट ऑल्सो हैज द एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। एंटी बैक्टीरियल भी है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करता है तुलसी, हमको बैक्टीरिया से भी प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ एंटी डिप्रेसेंट, जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं और बहुत ज्यादा सोचते हैं, अल्टीमेटली डिप्रेशन को भी कम करने में, डिप्रेशन को भी दूर भगाने में ये जो तुलसी का पौधा है वो हमको हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें हमने बात करी, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। और अल्टीमेटली जो तुलसी के पत्ते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करते हैं। और इम्यून सिस्टम क्या होता है? इट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी, इजेंट इट और नॉट, विच प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ डिसीजेस, इजेंट इट और नॉट। और जनरली हम इम्यूनिटी दो तरह की पढ़ते हैं, इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट बाय बर्थ, व्हेयरएज एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आई होप सो आप सभी को तुलसी के बारे में एक डिटेल जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो हर चीज को कहीं ना कहीं धर्म से रिलेट कर देते थे, क्योंकि पहले इतने उनके पास साइंटिफिक एस्पेक्ट नहीं थे लोगों को बताने के लिए, क्योंकि अच्छी चीजें सभी लोग यूज करें ये उन लोगों का वो रहता था कॉन्सेप्ट, मेन एम रहता था। तो इसलिए हर चीज को वो धर्म से रिलेट कर देते थे, है ना। तो तुलसी एक बहुत ज्यादा सेक्रेट प्लांट है, होली प्लांट है, तो इसीलिए तुलसी को, उसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं तो लोग अच्छे से यूज कर सकें, इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने तुलसी के पौधे को धर्म से रिलेट किया। और तुलसी का जो पौधा है वो हर घर में होता है, और उसके होने का साइंटिफिक कारण मैंने आपको बताया है। लोग पहले क्या करा करते थे कि जो तुलसी का पौधा है वो घर के आंगन में बीचों बीच हुआ करता था, जिससे कि
जब हवा आए तो 2400 घंटों उस घर में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में फैले। और आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के तो वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ, इजंट इट और नॉट। तो इसलिए तुलसी का पौधा घर के आंगन में बीचों बीच लगाया जाता था, और साथ ही साथ इसकी आपने अभी सुना कि 2400 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, और भी सारी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की। तो ये था तुलसी का साइंटिफिक एस्पेक्ट, इजंट इट और नॉट। तो आई होप सो मेरा जो एम था आप सभी को समझाना, और मैं जो आप सभी को बताना चाह रहा था, आई होप सो आप सभी तक मेरी बात पहुंच पाई होगी। और हमारा किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट या किसी भी व्यक्ति को कोई भी ठेस पहुंचाने की या किसी रिलीजन को बुरा बताने की कोई भी एम नहीं है हमारा। जस्ट इट इज टू शो यू और टू मेक यू अवेयर अबाउट द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस तुलसी प्लांट। तो आई होप सो आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको कोई कमेंट है, क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। और हाँ, एक बात, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी विद हितेश रघुवंशी। तो उस यूट्यूब चैनल को आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे भी मैं नीट से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको फिर से कि ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।